दोस्तों, अगर आप हैं हीरो बाइक के दीवाने तो आपके लिए है बहुत ही अच्छी खबर। जी हाँ दोस्तों, हीरो बहुत ही जल्द लॉन्च करने वाली है हीरो एक्सट्रीम 200R। जैसा कि आज अनाउंस हो चुका है कि 2018 के ऑटो एक्सपो में हीरो की 200R लॉन्च कर दी जाएगी। यहाँ पर हीरो एक्सट्रीम 200R अनवील्ड हो चुकी है इंडिया में। जी हाँ दोस्तों, इस बाइक की अगर हम बात करें तो इस बाइक में आपको मिलता है 276 mm का डिस्क ब्रेक, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन भी मिल जाता है ABS सिस्टम का, यानी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का। तो बाइक आपके डिजिटल एनालॉग के साथ आएगी। साथ ही इसमें इंजन की अगर बात करें तो जो इंजन इसमें होगा वो होगा आपका 200cc का सिंगल सिलेंड्रिकल एयर कूल्ड इंजन। साथ ही यहाँ पे जो इंजन पावर जनरेट करेगा वो करेगा आपका 18.1 HP और 17.1 Nm का टॉर्क। दोस्तों, अगर आपने पहले एक्सट्रीम के जो पहले मॉडल है अगर वो यूज किए होंगे, कभी चलाए होंगे, तो आपको पता होगा कि उसमें वाइब्रेशन और नॉइस बहुत ज्यादा होता था। तो इस बाइक में कंपनी ने यह ध्यान रखते हुए यहाँ पे नॉइस और उसकी बाइक की वाइब्रेशन को रिड्यूस करने की पूरी पूरी कोशिश की है। अभी यहाँ पर हीरो कंपनी की ओर से इसके ब्रेकिंग सिस्टम पे भी बहुत ही अच्छा काम किया गया है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आने वाली एक्सट्रीम बाइक बेहतर होगी पिछले जो एक्सट्रीम मॉडल निकले थे उनसे। दोस्तों, आपको यह बता दें कि हीरो की यह पहली बाइक होगी जो कि मोनोशॉक के साथ आएगी। अगर इसके लुक की बात की जाए तो इसका लुक सिमिलर होगा जैसे आपके पहले के एक्सट्रीम के मॉडल थे, सिमिलर वैसी ही इसमें आपको लुक मिलने वाला है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं प्राइसेस की। दोस्तों, अभी तो इसका प्राइस आउट नहीं हुआ है, इसका प्राइस अनाउंस होगा अप्रैल 2018 में। लेकिन जो एक्सपेक्टेशन इसमें प्राइस है वो है आपकी 90,000 के लगभग, जो कि आपकी एक्सरूम कीमत है। अब यहाँ पर अगर हम कंपैरिजन देखें, इस बाइक का सीधा सीधा मुकाबला है आपके अपाची RTR 200 और बजाज पल्सर के NS 200 से। अब यहाँ पर देखने वाली यह बात होगी कि क्या यह पिछले जो एक्सट्रीम मॉडल निकले थे उनसे बेहतर परफॉर्म कर पाती है या नहीं कर पाती है। हालांकि एक्सट्रीम की जो रेंज थी उसमें काफी ज्यादा शिकायतें थी, वाइब्रेशन को लेकर हो, चाहे नॉइस को लेकर हो, चाहे ब्रेकिंग सिस्टम को लेकर हो, तो ऐसी बहुत सारी शिकायतें थी। लेकिन कंपनी के एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि कंपनी ने इसके नॉइस से लेकर, इंजन से लेकर और ब्रेकिंग सिस्टम पर बहुत ही अच्छा काम किया है। तो दोस्तों, देखने वाली ये बात होगी कि क्या यह इस बार पिछले वाले एक्सट्रीम मॉडल से बेहतर परफॉर्म कर पाती है या नहीं कर पाती है। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और उसके साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स।